इराक में भारी विरोध प्रदर्शन की वजह से हालात किस कदर बिगड़ गए हैं ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। कहीं तोड़फोड़ जारी है तो कहीं आगजनी, कहीं प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं तो कहीं सुरक्षा बल बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू करने में जुटे हुए हैं। पूरा इराक इस समय हिंसक विरोध प्रदर्शन की चपेट में है। सबसे ज्यादा हालात खराब हैं राजधानी बगदाद में, जहां हर रोज लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोग अब ना तो पुलिस से डर रहे हैं और ना ही प्रशासन की उन्हें चिंता है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा बगदाद शहर युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया है। यहाँ कहीं आग लगी हुई है तो कहीं सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत जारी है। इराक में गुरुवार को हुए ताजा हिंसक विरोध प्रदर्शन में 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 41 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये प्रदर्शनकारी बेरोजगारों के लिए नौकरी देने, बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब देश में लोग इन मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले 1 से लेकर 6 अक्टूबर के बीच हुई हिंसा में 149 आम नागरिक और 8 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। इसमें 3/4 मौत अकेले बगदाद में हुई थी। प्रदर्शन और हिंसा का दूसरा दौर 25 अक्टूबर को शुरू हुआ। 1 अक्टूबर से शुरू हुए इन प्रदर्शनों में अब तक 260 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 5000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं।